focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. बच्चों को मेरा मैसेज यही है कि आप स्पोर्ट्स के माध्यम को अपने शरीर को फिट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मतलब आज जो परेशानी है लोगों को उनसे दूर बचने के लिए स्पोर्ट्स को एक अपना माध्यम बनाएं और सभी बच्चे कम से कम एक स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, एथलेटिक्स हो, उसको जीवन में अपना लक्ष्य बना के किसी अचीवमेंट तक जरूर पहुंचने की कोशिश करें। मेरी उनको सबको शुभकामनाएं और बधाई। सर, एज अ करियर ऑप्शन भी अभी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी हो रही है। जैसे हमारे जो है हरियाणा में विजेंदर है और बहुत जो है सुशील पहलवान है रेलवेज में है और साक्षी मलिक है, मतलब कम से कम दो दो तीन तीन चार चार करोड़ रुपया तो उनको कैश दिया है। दीपा मलिक को जो अपाइज हैं उनको भी जो है स्पोर्ट्स ओलंपिक होते हैं उनके भी, तो वही नहीं यूपी सरकार ने भी बड़ा अच्छा अनाउंस किया था, अखिलेश जी ने 1-1 करोड़ रुपए दिया। तो आज करियर है जो भी फ्रेंचाइजियों में जो ने भाग लिया है जैसे कबड्डी की 1-1 करोड़ के करीब सभी जो है ना ये यूपी का जो है ना वो तोमर सबसे ज़्यादा में बिका है 93 लाख। तो मतलब करियर है, बहुत बढ़िया करियर। थैंक यू। आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है तनाव मानसिक या शारीरिक बहुत सारी मतलब दुविधाएं, कभी फोग आ जाता है तो कभी और कुछ प्रदूषण आ जाता है, तो बहुत सी बीमारियों के शिकार लोग हो रहे हैं। तो उसको इन परेशानियों को दूर करने के लिए और उन चीज़ों से आपके स्वास्थ्य को हष्ट पुष्ट रखने के लिए खेलों का बहुत ज़्यादा महत्व है। खेलों के द्वारा ही आपने देखा होगा जो देश अग्रिम पंक्ति पर है वो सिर्फ खेलों में ही नहीं दूसरी चीज़ों में भी अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। हमारे देश में खेलों का प्रचलन, हम वैसे तो ओलंपिक में भाग लेते रहे हैं लेकिन एशियन गेम और कॉमनवेल्थ 51 से स्टार्ट हुए उनमें भी हम जो है ना काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पर 3 संप्रदाय होती हैं, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम। हम ज़्यादा एशियन गेम को महत्व देते हैं। तो बच्चों चलो, एशियन गेम एक अलग चीज़ है लेकिन खेल कूद के माध्यम से आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है और उसके साथ साथ मुकाबले की भावना पैदा होती है। कोई भी खिलाड़ी आप देखेंगे वो लास्ट मिनट तक, चाहे वो कोई भी गेम हो, आपने अभी बहुत बच्चों ने कबड्डी देखी होगी, जो प्रो कबड्डी चल रही है अभी प्रो रेसलिंग आएगी। तो अभी हमारे देश में खेलों को बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एक एक खिलाड़ी को, चाहे वो प्रो क्रिकेट हो, रेसलिंग हो या कबड्डी हो, और भी कई जो ना संप्रदायें जो ना स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप अगर उस लेवल में भी करना चाहें तो अगर आप कंटिन्यूस अपने शरीर को फिट रखेंगे तो उस लेवल में भी पहुंच सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वो लोग कोई अलग जो ना मांस के नहीं या हड्डियों के नहीं बने होते, जो वहाँ पर जीतते भी हैं और उनमें भाग लेते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत, शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रखने के लिए खेलों का चयन कम से कम 1 या 2 गेम में अपने आप को उसके अंदर जो है ना डालने की कोशिश करें और परिश्रम करें।